सीताराम 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 कहिए, जब ले कहे सासु माँ तब ले घर में रहिए। सीताराम 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 कहिए, जब ले कहे सासु रानी तब ले घर में रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ससुराल में सास ससुर के साथ रहने के क्या फ़ायदे हैं और ना रहने से क्या नुकसान होता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ 6 टिप्स, 6 महत्वपूर्ण बातें, 6 नियम, 6 रहने के फ़ायदे और 6 ना रहने के फ़ायदे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो गाना मैं गाई, ये सभी बहू के लिए डेडिकेट करती हूँ। ये गाना जितनी बहुएँ हैं और सासू माँ जितनी भी सुनेंगे, दिल पे मत लीजिएगा। किसी भी पॉइंट को आप दिल पे ना लें, गुस्सा ना करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन जो फ़ायदे और नुकसान है वो थोड़ा सा अपनी बहनों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि हम अपने समाज में, अपने रिलेटिव रिश्तेदारों के बीच में हम एक अच्छी बहू कहलाते हैं, जब हम सास ससुर के साथ रहते हैं। तो कि देखो, सास ससुर के साथ कितने अच्छे से रह रही है, कितने प्यार से रह रही है, उनका आदर सम्मान कर रही है, उनके हर बात का ध्यान रख रही है। तो इसलिए उस बहू को ना एक अलग ही नज़र से देखा जाता है कि इतना सब ले के चल रही है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि वो बहू जो है ना, अगर मान लीजिए किसी कारणवश बहू अगर बीमार पड़ जाती है, तो भी उसका किसी न किसी का सहारा मिल जाता है, किसी न किसी का साथ मिल जाता है। और जो कि हम अकेले रहते हैं, तो बीमार रहो या ना करने के लायक हो या कुछ भी हो, रो के गा के आप ही को करना पड़ता है। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सास ससुर के साथ रहते हैं, तो क्या होता है ना कि चलो आज तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं हो पाएगा, तो चलो कोई ना कोई तो है घर को देखने वाला। तो ये फ़ायदे हमें हो जाते हैं कि बीमार पड़ते हैं तो हमें किसी ना किसी का सहारा मिल जाता है और हमारा हेल्प हो जाता है और हमें आराम करने का भी समय मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा क्या होता है कि हम जो है ना, सबके दिल में मतलब जगह बना लेते हैं, सबके मतलब खान पान का, सबके रहने का, उनको क्या खाने में पसंद है, रहने मैं कैसे रहूं, मतलब इस प्रकार की हर चीज़ें अगर आप उनके अनुसार करते हैं तो आप एकदम लाडली बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम कि हम उनके दिल में उतर जाते हैं अपने अच्छे अच्छे व्यवहार और स्वभाव से। चौथा नियम क्या है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, मान लीजिए हस्बैंड के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, तो हमें घर की चिंता नहीं रहती, घर की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर नहीं रहती कि हम घर में नहीं है तो चलो घर में कौन मेरे घर का देखरेख कर रहा होगा, पौधों को पानी कौन दे रहा होगा, घर में कोई देखने वाला नहीं है, कहीं कोई घुस ना जाए घर के अंदर, तो ये भी चिंता हमें नहीं सताती है। घर में राशन पानी है कि नहीं है, इस प्रकार का जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर नहीं रहता है। तो ये भी हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि किस रिलेटिव को क्या देना है, नहीं देना है, शादी विवाह में कैसे सब देकर पैक करके हमें भेजनी है, मतलब जो हमारे तब न्योता बोलते हैं ना, न्योता में क्या देना है नहीं देना है, ये सब कुछ ना सास ससुर ही जानते हैं, बहू भी जानती है, लेकिन सास जैसे जैसे बताती है उस प्रकार से बहू जो है तैयार करके और भेजती है। किसी भी रिश्तेदारी में शादी विवाह पड़ता है तो उसके ऊपर अकेले का जिम्मेदारी नहीं होता है, तो इसलिए ये भी एक फ़ायदे होते हैं कि जो है वो सास समझेंगी, जैसा भी है सास समझेगी। कोई गेस्ट आया तो भी सास देख ले कि भाई इनको कैसे आदर भाव करना है, वो जैसे जैसे ऑर्डर देती है हम लोग करके दे देते हैं, लेकिन वो जो बना कहती है ये बना दो ऐसे दे दो तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहता कि कितना बनाएं क्या खिलाएं, किससे मतलब उनको बुरा लग जाएगा, ये सभी जिम्मेदारी सास के ऊपर आ जाती है। तो ये भी हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। अगला जो उपाय है वो क्या है कि हमारे जो बच्चे होते हैं,
तो बच्चों को भी ना, जब हम अकेले रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, अकेले हस्बैंड के साथ रहते हैं, तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं हमें पालना पड़ता है। बीमार भी रहते हैं, पूरी रात हम जगते हैं, किसी का सहारा नहीं है, कुछ नहीं है, और बच्चों को अकेले पालना पड़ता है। दादा दादी का प्यार से भी वो वंचित रह जाते हैं, नहीं मिलता है, और साथ में रहो तो दादा दादी का उनको प्यार भी मिलता है और वो हंसी खुशी से हाथ हाथ में जैसे बच्चे पल जाते हैं, और अकेले रहो तो हमेशा परेशान जो है माँ को ही करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फायदे वाली बातें। नुकसान क्या है तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, नुकसान में नुकसान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे लगता है ना कि किसी के अंडर में मतलब जीना है, अपने हिसाब से हम नहीं जी पाते हैं। तो सासू माँ अगर बोलेगी कि घूंघट निकालना है तो घूंघट निकालनी है, इनके सामने होना है तो इनके सामने होना है, इनके सामने नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन आजकल की बहुएं उतना नहीं मानती हैं, लेकिन जो मानता है अभी भी मानते हैं गांव घर में, तो लोग अभी भी इतने इतने घूंघट करके और गांव में रहते हैं, बहुत सारे नियम कानून के अंदर वो दब के रहते हैं, तो खुला रहना बहुत मुश्किल है उनको। तो वही बात है कि जब सास के हिसाब से जीना है, आपकी अपनी मर्जी नहीं चलती है, क्योंकि जो बड़े कहेंगे उसके अनुसार ही हमें चलना पड़ता है, अपनी मर्जी का हम मालिक नहीं है, तो हमें इस प्रकार से चलनी है। अगर उनको खुश रखना है तो हमें उस हिसाब से चलना है। गांव में जा रहे हैं, इतना घूंघट करो, उनसे रखो, तो वो सब चीज़ें हमें निभानी पड़ती है। दूसरा नुकसान क्या है कि जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ना, संयुक्त परिवार में, सास ससुर हो या और भी लोग हो, तो क्या होता है कि आप अपनी मर्जी के तो सच में कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको भूख भी लगी रहती है ना, तो अपने खाना निकाल कर अकेले से नहीं खा सकते हैं। उसमें भी लोग कहने लगते हैं कि देखो अकेले कैसे निकाल के खा रही है, किसी को नहीं पूछ रही है। अगर आपका छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे जब रहते हैं तो बहुत भूख लगती है, तो भूख भी लगती है ना, तो आपको मतलब ऐसा होता है ना कि आप अकेले से भूख भी लगे तो वेट करना है कि बड़े खा ले फिर हम खाएंगे। अगर खाना घट भी कम भी पड़ जाता है तो भी आप ही को सहना है, बढ़ भी जाता है फिर आप ही के ऊपर है कि बासी मतलब उसको ख़त्म करो या जैसे तैसे जहाँ मर्जी तहाँ रखो, लेकिन कम पड़ जाए फिर अपना बनाओ। तो वही बात है, भूख भी लगती है तो भूख को सहन करके रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम ही जाके किचन में सबसे पहले ससुर जी को खाने से पहले बहू ही खा ले, तो ये सब भी नुकसान कहीं ना कहीं हमें होता है, लेकिन हर फैमिली में नहीं है। देखिए, आप लोग किसी भी बात को अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये दुनियादारी मतलब एक दुनिया की बातें मैं बता रही हूँ कि मतलब क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है किसी बात को, क्योंकि दुनिया में हर आदमी एक जैसे नहीं है, बहुत सारे परिवार हैं, संयुक्त परिवार हैं बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए कभी किसी भी बात को मैं सभी के लिए बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि एक आदमी के लिए बोलती हूँ तो आपको बुरा लगेगा, कभी बुरा ना माने। ठीक है, तीसरा नुकसान क्या होता है कि हम अपने बच्चों को डांट भी नहीं सकते हैं। मारना तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारे बहुएँ मारती हैं, गुस्सा होती हैं तो मारती हैं, अगर हम मारते हैं डांटते हैं ना, तो मतलब जो बड़े हैं उनके दिल में लगता है गुस्से में है, गुस्सा है, बच्चे को मार रही है, हमें दिखा के मार रही है, तो अपने ही बच्चों को ना डांट सकते हैं ना मार सकते हैं। मतलब मारना तो ऐसे तो सभी नहीं मारते हैं, लेकिन डांट भी नहीं सकते हैं, लोग उसका उल्टा ही मतलब निकाल लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि मतलब खुल के ना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसे उनको बुरा ना लगे, बुरा लग ही जाता है, कितना भी बच के रहो बुरा लग ही जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा नुकसान। और चौथा नुकसान क्या है कि जब लड़कियाँ शादी करके आती हैं तो कई आदमी है कि उनके हस्बैंड का ना जॉब जैसे सास ससुर के पास ही घर से वो करते हैं, तो रहना ही है, जॉब जब वहीं है तो आराम से रहती हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना कि बहुत दूर दूर मतलब राज्य में नौकरी करते हैं, डिफेंस वाले तो पक्का आपको मालूम है कितनी दूरी पे रहते हैं घर से, और बहुत सारे सास ससुर हैं ना साथ में रहना पसंद भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्यों उनका घर का जो है ना मतलब धन दौलत खेत खलिहान सब मतलब कौन देखेगा, सब बेकार हो जाएगा, सब लोग ले लेगा, ये भी उनके दिमाग में चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम घर छोड़ के आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे, घर को देखने वाला कौन है। ठीक है, तो इसलिए भी नहीं रहते, और कई लोग हैं कि दूरी की वजह से रखते भी नहीं है, उतना फैसिलिटी नहीं रहता, जो दूर दूर राज्य हैं तो उतना सब लोगों को लेकर बड़ा घर नहीं है लोगों के पास, छोटे छोटे घर में अपना घर मतलब जीवन यापन कर रहे हैं, इस वजह से भी साथ में लोग नहीं रह पाते हैं। लेकिन जिनका घर से अपना हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, कहीं बड़े मेट्रो सिटी में आप हैं, तब तो दिक्कत ही नहीं है, सब परिवार एक साथ है राजी खुशी से, और सब एक दूसरे का दुख सुख बांट लेते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होता। ठीक है,
अगली चीज़ क्या है कि आप अपने जैसे ना ससुराल में क्या होता है, संयुक्त परिवार में जब हम रहते हैं तो हमें बड़ा नाप तौल के बोलना पड़ता है, और जो चाहे वो नहीं बोल सकते हैं, जिसको चाहे वो नहीं बोल सकते, बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हम अच्छी चीज़ें भी बोलते हैं ना और उसका मतलब जो है गलत निकल जाता है, तो गलत फहमी के भी शिकार हो जाते हैं। साथ में रहने से ये भी नुकसान होता है कि आदमी का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, हम कहते हैं कुछ और सामने वाला ना दूसरा ही कुछ समझकर गुस्सा हो जाता है। तो बड़ा सोच समझ के ससुराल में बोलना पड़ता है, संयुक्त परिवार में, और सबका देख के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो मर्जी है वो खरीद के लेके आ गई, सबके लिए सोचना पड़ता है, सबके लिए खरीदना पड़ता है, फिर जाके अपने लिए खरीदना पड़ता है। मैं बोली ना कि जब सबको आप खाना परोस लीजिए तब अपने लिए परोसिए, ऐसा नहीं कि भूख लगी है और गए और निकालें और खा लिए, तो ये भी नहीं कर सकते। ये अगली चीज़ क्या है कि अपने मर्जी का भोजन नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि अकेले रहो तो लोगों को लगता है चलो कुछ भी खा लेते हैं, चलो बाहर का कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं, मैगी खा लेते हैं, नूडल्स खा लेते हैं, पिज्ज़ा मंगा लेते हैं, वो सभी चीज़ें नहीं मिलता। अगली चीज़ नुकसान क्या है कि अपना बच्चा, जो कि मैं बता चुकी हूँ, अगर आपका अपना बच्चा होता है तो कोई संभालने जाएगा तो कितना दिन संभालेगा, एक साल, दो या छः महीने, तीन महीने, दो महीने, कोई उतना दिन तो अपना घर छोड़ के लोग रहना भी नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद तो आगे आप ही को अकेले संभालनी पड़ती है, काम भी करना होता है, बच्चा भी रो रहा है उसको भी संभालो, और सब कुछ लेकर चलना पड़ता है, कोई आपका हेल्प करने वाला नहीं होता, तो ये भी नुकसान होता है। बीमार भी पड़ो तो आप ही को सब करना है। तो यही सब नुकसान थे और कुछ फ़ायदे थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और अपने परिवार के साथ एकदम राजी खुशी से रहिए।